कांग्रेस से प्रबल दावेदार स्थानीय और नए चेहरे के साथ टिकट की रेस में सबसे आगे प्रद्युमन वर्मा। खबर शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा से है। पोहरी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी नया चेहरा स्थानीय प्रबल नेता प्रद्युमन वर्मा, जिनकी हर समाज में एक अलग ही पहचान है। युवाओं के दिलों पर राज करने वाले सभी समाज के युवाओं का भरपूर सहयोग मिलता नजर आ रहा है और पोहरी विधानसभा क्षेत्र में जनता द्वारा कांग्रेस से उनकी अच्छी खासी मांग भी लगातार चल रही है। यदि कांग्रेस पोहरी विधानसभा से नए चेहरे के साथ स्थानीय नेता प्रबंध दावेदार के रूप में प्रद्युमन वर्मा को टिकट देकर मैदान में उतारती है तो पोहरी विधानसभा से सीट निकलना लगभग तय है, क्योंकि पोहरी क्षेत्र में सभी समाजों के लाडले और युवाओं के दिलों की धड़कन में बसने वाले नए चेहरे के साथ युवा नेता की मांग भी चल रही है, जो कि राजनीतिक दलों द्वारा पोहरी विधानसभा में टिकट को छोड़कर स्थानीय नेताओं को टिकट दिया जाए। स्थानीय नेता प्रद्युमन वर्मा द्वारा क्या कुछ कहा गया भाजपा की सरकार के बारे में और सरकुला डैम के बारे में देखें खबर और वीडियो के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल शुक्रवार दिनांक 29/9/2023 को प्रद्युमन वर्मा द्वारा विशाल जनाक्रोश रैली जोरों शोरों और फुल तैयारी के साथ सुभाषपुरा फाटक से शुभारंभ करते हुए पोहरी विधानसभा क्षेत्र बैराड़ में विशाल आम सभा को संबोधित किया। डॉक्टर गोविंद सिंह, अशोक सिंह, शिव भाटिया, दिनेश गुर्जर, रामनिवास रावत और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। इस बार पोहरी विधानसभा क्षेत्र से अगर कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया जाता है तो आपके द्वारा क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी मुझ पे प्रत्याशी के रूप में मनोनीत करती है या किसी को भी करती है तो मेरा प्रथम दायित्व यही रहेगा कि जो इस 20 साल के अंदर 18-20 साल के अंदर जो आम जनता के पास जो घोटाले हुए हैं जितने, आप ये देखिए कि कितनी शर्म की बात है कि ये सरकुला डैम, जो कि अपन ये कह दें कि अपन पोहरी बेल्ट के लिए जीवनदायी नहीं है, उसके लिए दो दो बार उद्घाटन हो गया सीएम साहब द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा, इनके बाद उद्घाटन होने के बाद आज तक इतने 8 साल में मूर्त रूप में नहीं आ पाया है, तो ये कितना बड़ा धोखा दे रही है बीजेपी, पोहरी की जनता को कितना ठग रहे हैं, बच्चों के भविष्य के संग कितना खिलवाड़ हो रहा है। आप ये देखिए, एक गरीब आदमी अपने बच्चे को ऐसे तैसे करके पढ़ाता है, पहले 10 साल व्यापम में पीछा रहा एक दशक, और अब वही चीज़ पटवारी घोटाले में आया है कि आम गरीब का बच्चा पढ़ने में होशियार है, वो गांव का व्यक्ति कैसे शहर भेज रहा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, पर आदमी 20 लाख 25 लाख रुपए में देके नौकरियां पैसे वालों के बेटों को दी जा रही हैं। अगर तो, ये पोहरी विधानसभा से अगर किसी प्रत्याशी को टिकट का दावेदार अगर घोषित किया जाता है तो क्या अन्य दावेदारों द्वारा क्या दल बदलने की कोशिश की जाएगी या कुछ मंथन भी जारी है उनमें? नहीं, देखिए, हम जितने भी हैं यहाँ व्यक्तिगत सोच है कि हम कांग्रेस समर्थित हैं, ना कभी गए हैं ना कभी जाएंगे, और कांग्रेस एकजुट है, जितने भी सब लोग हैं हाथ के पंजे के लिए पूरी दम से काम करेंगे कांग्रेस सरकार को बदल के रहे।